सीआईडी ऑफिसर दिनेश के निधन के बाद अब उनकी पत्नी की तबीयत खराब हुई, अचानक से हुई बेहोश। सीआईडी ऑफिसर दिनेश की पत्नी को करवाया अस्पताल में एडमिट। पति के जाने का गहरा लगा सदमा। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते होंगे, सीआईडी ऑफिसर दिनेश अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। उनके जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में मातम छाया हुआ है। हर कोई सदमे में है। उनके चाहने वालों की आंखें नम है और उन्हें परिवार वालों पर गहरा सदमा लगा है। उनके बीवी बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। अब आपको बता दें कि सीआईडी ऑफिसर दिनेश की पत्नी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। 57 साल की उम्र में ही दिनेश ऑफिसर ने इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। उनके जाने के बाद उनके चाहने वालों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके बीवी बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। उनकी छोटी छोटी बेटियां हैं जिस पर पिता का छाया हमेशा के लिए हट चुका है। दिनेश ऑफिसर की पत्नी को गहरा सदमा लगा है और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हमारी भगवान से यही दुआ है कि भगवान सीआईडी ऑफिसर दिनेश की पत्नी को जल्द से जल्द ठीक कर दे, क्योंकि उनकी बेटियों को एक माँ की जरूरत है। अगर आप भी ऑफिसर दिनेश के चाहने वाले हो तो उनके लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिए।